हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं कुक ट्रेड क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि सीआरपी पैरामेडिकल में कुक के ट्रेड क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और प्रीवियस में 2 वीडियो करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसको मैं 2 वीडियो कराया, जिसमें 10-10 क्वेश्चन आपको कुक से रिलेटेड ट्रेड क्वेश्चंस करवाया हूँ। तो यहाँ पर भी टोटल 10 क्वेश्चन करवाऊँगा। अगर इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके करंट अफेयर सर्कल आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और एक एक क्वेश्चंस को आपको पूरा तरीका से समझाऊंगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मुझे कमेंट करना है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको, सॉरी टेलीग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम पे आपको कमेंट करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसको जहाँ पर मैं कुछ ना कुछ अपडेट वहाँ पे डालते रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और एक एक क्वेश्चन को पूरा अच्छा तरीका से आपको बताऊँगा क्या है। तो यहाँ आज का पहला क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है पहला नंबर क्वेश्चंस में कि वेयर डज फाइन एप्पल ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी जहाँ अनानास से उत्पन्न होता है, क्या कहाँ से उत्पन्न होता है, मतलब पाइन एप्पल, वो आपको बताना है। वेयर डज पाइन एप्पल ओरिजिनेट फ्रॉम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ब्राज़ील, ऑप्शन बी दिया है हवाई, ऑप्शन सी दिया है इटली, और ऑप्शन डी दिया है मैक्सिको। तो यहाँ पे कहाँ से होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ब्राज़ील से आपका पाइन एप्पल ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड आप गूगल में भी सर्च करके पता कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इनमें से कौन सा विटामिन सी का सबसे अमीर स्रोत है, यानी सबसे ज़्यादा जो स्रोत देता है वो कौन सा है जो कि विटामिन सी देता है, सोर्स क्या है मतलब। तो ऑप्शन ए दिया है मैंगो यानी आम, ऑप्शन बी दिया है कैरोट यानी गाजर, ऑप्शन सी दिया है मिल्क यानी दूध, ऑप्शन डी दिया है कैंटालोप यानी खरबूजा। तो विटामिन सी का स्रोत कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो देख रहे हैं कैंटालोप, यहाँ पे खरबूजा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि विटामिन सी का काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे आपको खट्टे पदार्थ भी विटामिन सी में आते हैं, पर यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, तो कैंटालोप खरबूजा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया है कि सब विटामिन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विटामिन ए का आम खाद्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है मिल्क, एग्स, बटर, चीज़ और क्रीम, ऑप्शन बी दिया है पपायास यानी अमरूद, सॉरी पपीता, ब्रोकली, टमाटोस, काले काले यानी, उसके बाद शुगर कैन, उसके बाद दिया है ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। तो यहाँ पे बोला है कि विटामिन ए का आम खाद्य स्रोत क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 जो देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल, इसका विटामिन ए का काफ़ी अच्छा कॉमन स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि विच फूड कंटेन विटामिन डी, कौन सा भोजन विटामिन डी होता है, भोजन में विटामिन मतलब डी स्रोत करता है। तो ऑप्शन ए दिया है मशरूम्स, ऑप्शन बी दिया है फैटी फिश, ऑप्शन सी दिया है एग योक, और ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस आप देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि इस एग्ज़ाम में जैसे कुक से रिलेटेड द विटामिन से रिलेटेड भी आपको पूछा जा सकता है। अगर कुक ट्रेड में नहीं पूछता है तो आपको जो 10 नंबर का क्वेश्चंस आपका जीके जीएस मिला के जो आने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का तैयारी एक संगी एक ही वीडियो में आपका क्वेश्चन से हो जाएगा। तो आप लोग सब तरह के क्वेश्चंस को करके एग्ज़ाम में जाए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हो गया, जो कि मशरूम भी है, फैटी फिश भी है, और एक योक भी है, जो कि विटामिन डी को डी होता है उसमें, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है कि व्हाट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर हाई इन विटामिन के,
यानी कौन सा फल और सब्जी में विटामिन के प्रचुर मात्रा में रहता है। तो ऑप्शन ए दिया है कोलाट्स, ऑप्शन बी दिया है गोभी, ऑप्शन सी दिया है सड़ले यानी अजमोद, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो देख रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बोला था कि कौन सा फल और सब्जी में विटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है, फल या सब्जी बोला है यहाँ पे, तो उनमें से कोई एक ही होगा जो कि आपका सभी है। यहाँ पे सब्जी और फल तीनों मिक्स किए हुए तीन तरह के, जिनमें से सभी लोग सभी होते हैं जिसमें विटामिन के का प्रचुर मात्रा होता है। तो ऑप्शन डी यानी सभी है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस में बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्हाट इज़ घी, यानी घी क्या है। एक्चुअली घी काफ़ी लोगों को पता भी होगा, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखें कि ऑप्शन ए दिया है ए फ्लोर मेड ऑफ चीप पीस, यानी चना से बना आटा। ऑप्शन बी दिया है क्लैरिफाइड बटर यानी मक्खन से बना घी। ऑप्शन सी है अ वेजिटेबल ग्रो इन उड़ीसा यानी उड़ीसा में उगाई जाने वाली सब्जी। और ऑप्शन डी है अ टाइप ऑफ चटनी यानी एक प्रकार की चटनी है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे घी जनरली सभी लोग को पता है कि घी क्या है, तो यहाँ पे वो बटर से बना यानी मक्खन से बना ही होता है। बटर को ही हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, तो जो मक्खन होता है दूध से मक्खन बनता है, मक्खन से आप लोग घी निकालते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में कि विच ऑफ दिस इज अ डिश मेड आउट ऑफ व्हीट फ्लोर, यानी इनमें से कौन सी गेहूं के आटे से बना पकवान है। ऑप्शन 4 है जिनमें से कोई एक ऐसा है जो गेहूं से बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है रसगुल्ला, ऑप्शन बी है चपाती यानी रोटी, ऑप्शन सी है डोसा, ऑप्शन डी है पालक पनीर। तीन में से कौन सा जनरल सी क्वेश्चन है जो कि आपको माइंड लगाना, जो डेली हम लोग यूज़ करते क्या रोटी ही तो होता है जो कि गेहूं से बनता है। तो जनरली ऑप्शन के हिसाब से ही आपको जाना है। तो यहाँ पे चपाती हो जाएगा करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप रेगुलर आपको मिलते रहेंगे अगर आप कमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 नंबर क्वेश्चन में कि विच वन द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल वन ब्लोइंग ऑफ द ब्रेड। रोटी जो होता है यहाँ पे, जो रोटी के भूरे रंग के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है, जो रोटी हम लोग बनाते हैं उसमें भूरा रंग हो जाता है चिताबर, उसका जिम्मेदार कौन है यानी किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए दिया है मिलार्ड रिएक्शन यानी चक्की प्रतिक्रिया के कारण, ऑप्शन बी दिया है स्टीमिंग यानी बॉब्स के कारण, ऑप्शन सी दिया है कैरामेलिसिंग यानी कारमेलिंग, और ऑप्शन डी दिया है बेकिंग सेक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा जो कि कैरामेलिसिंग यहाँ पे हो जाएगा, कारमेलिंग के लिए यहाँ पे रोटी में भूरे रंग का जिम्मेदार हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाट डू वी कॉल टू पोटैटो इन हिंदी। तो हम आलू को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी हम लोगों को पता ही आलू को क्या कहते हैं, आलू ही बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है सलगम यानी सलगम, ऑप्शन बी है गाजर, ऑप्शन सी है प्याज, ऑप्शन डी आलू। तो यहाँ पे जनरल सा क्वेश्चन था जो कि जानना ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन को, यानी कॉमन नेम है, तो यानी ऑप्शन डी होगा आलू, जो कि आलू को हम लोग पोटैटो इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में आलू बोला जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर इसलिए हो गया डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि व्हाट डू यू कॉल अ डिश हैविंग राइस एंड कोकोनट एज द मेन इंग्रेडिएंट, यानी आप मुख्य सामग्री के रूप में चावल और नारियल वाले डिश को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है मसाला चावल, ऑप्शन बी दिया है नारियल चावल, ऑप्शन सी दिया है पालक चावल, और ऑप्शन डी दिया है चावल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी होगा जो कि नारियल चावल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर आप करते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के संग संग आप क्वेश्चन वीडियो को लाइक भी करें। क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए और कमेंट कीजिए कि मुझे PDF चाहिए, उसके हिसाब से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको मिल सकता है PDF। तो यहाँ पे आपका इतने क्वेश्चन था, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 10 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा नेक्स्ट यानी कल।
तो रेगुलर आप देखते रहिए। इससे प्रीवियस वीडियो दो वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसे आप भी आप आगे देख सकते हैं। थर्ड नंबर वीडियो है पार्ट थ्री, तो इसे आप पार्ट थ्री रेगुलर देखते रहे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।